बसमिल डेर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन लेक्चर एटीन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग इस लेक्चर में हम डिटेल में ई टी एल के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जैसा कि आपने टाइटल में देखा डिटेल एक्स्ट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो सवाल ये पैदा होता है कि इस लेक्चर की ज़रूरत क्या है जब हमने ई टी एल कवर कर ही ली है तो इस लेक्चर को लाने की क्या ज़रूरत है मेरे हाल में ये ज़रूरत इसके टाइटल से वाजे हो जाती है मैंने जो आपको पहला लेक्चर दिया था ईटीएल के बारे में उसमें ईटीएल के मुख्तु कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था और ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी इसलिए कि ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं थी मकसद ये था कि आपको ईटीएल के बेसिक कॉन्प्ट के बारे में बता दिया जाए ताकि आप जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट उनको समझ लें आप जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो फिर हम डिटेल की तरफ जाएंगे। उस डिटेल पे जाने से पहले मैंने आपको ई के इश्यूज बताए थे ताकि आपको ये पता चले आप इस बात को अप्रिशिएट कर सकें कि ई मुश्किल क्यों है ई में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं तो अजीज़ तलबा तालबात इस तमहीद के बाद हम अब उस लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि आज का मौजू है यानी कि ई की डिटेल्स विद रेफरेंस टू

एफिशेंट वन चेंजिस कैन बी आइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेशन कुड बी कास्टली वेरी चैलेंजिंग तो अब मैं आपको इन पॉइंट्स की डिटेल बताता हूँ इन पॉइंट्स की डिटेल क्या है बात यह है कि डेटा वेयर हाउस में डेटा तो आना है और डेटा आता रहेगा तो डेटा वेयर हाउस को चलाने वाले यानि कि डिसीजन मेकर की नव्स बिजनेस के ऊपर होगी या उसकी उंगली उस नब्स के ऊपर होगी ये बात समझ रहे हैं आप सवाल ये पैदा होता है कि पहली दफ़ा जब आपने डेटा वेयर हाउस को पॉपुलेट किया और डेटा ले कर आए तब तो कोई इतना मसला नहीं था मसला इसलिए नहीं था कि डेटा वेयर हाउस बस एम वो खाली था इसलिए जो कुछ भी अवेलेबल था उसको आपने लाके रख लिया डेटा वेयर हाउस को पॉपुलेट कर लिया अब जो चेंजेस ऑपरेशन सिस्टम में आ रही हैं जो उसमें रिकॉर्डिंगस हुई हैं नई चेंजेज़ हैं उनको आपने डेटा वेयर हाउस में लेके आना है मतलब कहने का ये है कि जो इंक्रीमेंटली चेंजेस हैं उनको आपने इंक्रीमेंटली वेयरहाउस में लेके आना है वो इंक्रीमेंटल चेंजेस कौन सी हैं हम किसको इंक्रीमेंटल चेंज कहते हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स वेयर हाउस को अपडेट करते हैं ऑपरेशनल सिस्टम से डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन बींगडर्ड तो वो अपडेट रात को होगी रात को नाइटली अपडेट होगी वो नाइटली अपडेट इसलिए होगी कि नाइट में या रात में डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल बहुत कम होगा कम क्यों होगा इसलिए कि डिसीजन मेकर्स रात को आराम करते हैं और दिन भर काम करते हैं तो ये 24 आवरली या नाइटली अपडेट्स होंगी आपके वेयर हाउस के अंदर इस इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की हम बात कर रहे हैं सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश है ये कैसे की जाएगी इसको हमने कैसे करना है इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरी है कि पहले जो चेंजेस आई हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके चेंजेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल क्यों है इसलिए कि चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं स्मॉल चेंजेस हैं आपने उन स्मॉल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और वो जो स्मॉल चेंजेस हैं उनको ऑपरेशनल सिस्टम से रिफ्लेक्ट करना है डेटा वेयर हाउस के अंदर और ये जो रिफ्लेक्शन है ये जो एक्सट्रैक्शन है ये बहुत चैलेंजिंग है ये चैलेंजिंग क्यों है चैलेंजिंग एक तो रीज़न इसका मैंने बता ही दिया आपको कि चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है दूसरा रीज़न इसका ये है कि आपने ऑपरेशन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको ख़राब नहीं होने देना इसलिए कि अगर आप ऑपरेशनल सिस्टम से डेटा निकालते हुए ऑपरेशनल सिस्टम की परफार्मेंस को ख़राब कर देंगे तो ख़ुदाना खासा यह ना हो कि जो ऑपरेशंस होने थे वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ना हो पाए और जब ट्रू डेटा रिफ्लेक्शन जो ऑपरेशनल सिस्टम की है वो वेयरहाउस में नज़र नहीं आएगी तो ज़ाहिर है कि डिसीजन मेकिंग तो होगी तो ये अज़ीज़ तलबा उस मुख्सर तौर पर चेंज डेटा कैप्चर के बारे में तमहिद है चेंज डेटा कैप्चर एक बहुत मुश्किल चीज़ है मुश्किल क्यों है आप ये समझ ही चुके होंगे और इसके दो एस्पेक्ट्स भी हैं दो दोस्पेक्ट्स का क्या मतलब है उसका मतलब मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा मुखसर तौर पे उसका मतलब ये है कि आपने दो तरह के सिस्टम्स में से डेटा को लेना है और उसको ले के आपने वेयर हाउस में ले आना है दो तरह के मुख्तिस सिस्टम्स वो मुख्तलिफ़ सिस्टम्स कौन से हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूं थोड़ी देर में आइए मेरे साथ जी साथियों तो इससे पहले कि हम उन मुखल सिस्टम पे चलें हम उन पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लें जो कि मैंने इसके बारे में बताए थे चेंज डेटा कैप्चर के बारे में इंक्रीमेंटल डेटा एक्सट्रैक्शन एफिशिएंट व्हेन चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड इट कुड बी कॉस्टली एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग तो ये थोड़ा सा जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया उसको अब मैं बात करता हूं उन दो सोर्सेस के बारे में जहां से डेटा वेयर हाउस में लेके आना है सोर्स सिस्टम्स मॉडर्न सिस्टम्स एंड लगेसी सिस्टम्स। ये मॉडर्न सिस्टम से क्या मतलब है और लगेसी सिस्टम से क्या मतलब है इसका मतलब आप यकीन समझ चुके होंगे मॉडर्न सिस्टम से मुराद वो सिस्टम्स हैं जो कि आज इस्तेमाल हो रहे हैं ऑपरेशन को रन करने के लिए बिजनेसिस को रन करने के लिए इन सिस्टम्स में जो डेटा चल रही हैं वो उनके नाम आप जानते हैं ये वो सिस्टम्स हैं जिनको आजकल जो पॉपुलर डेटा हैं उनके साथ इन पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाकर लगाए गए हैं चलाए गए हैं और काफ़ी सारे हालात में ये वो सिस्टम्स हैं जो कि सीक्ल को सपोर्ट करते हैं इनमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन पर चल रहे हैं जिसके कि यूज़र्स भी मार्केट में हैं अवेलेबल हैं तो इनको हम मॉडर्न सिस्टम्स कहते हैं मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और मैं अब आपको लगेसी सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा मैं मॉडर्न सिस्टम्स और लगेसी को इसलिए भी बता रहा हूं कि जो चेंज डेटा कैप्चर के इश्यूज हैं जो टेक्निक्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं ये दोनों के खासे फ़र्क हैं और उस डिफरेंस को हाई करने के लिए मेरे हाल के ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ लगेसी सिस्टम्स के बारे में लगेसी सिस्टम्स के बारे में बताना का एक रीज़न और भी है वो रीज़न ये है कि हमने पहली दफ़ा लगेसी सिस्टम्स के बारे में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में और आज हम एटीनथ लेक्चर की बात कर रहे हैं एटीनथ लेक्चर में तो हो सकता है कि कुछ आपको याद ना रहा हो तो अज़ीज़ स्टूडेंट्स लगेसी सस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो कि अर्ली नाइनटीज़ में या उससे चंद साल पहले मार्किट में थे और बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जिनको रन करने के लिए वही सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं इतने पुराने सिस्टम्स हम इसकी डिटेल में नहीं जाते उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है मकसद कहने का यह है कि जो स्टोरेज मेकनिज़म्स हैं जो ऑपरेशन के तरीके हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और जो प्रोग्रामिंग एन्वायरमेंट्स लगेसी सस्टम्स में उस वक्त थी मोरलेस वो आज भी वही प्रिवेल कर रही हैं इसके मुकाबले में जिनको हम मॉडर्न सिस्टम्स कह रहे हैं वह ज़ायरे के फ़र्क है तो ये मकसद बताने का ये था कि हम उन इश्यूज़ को अच्छी तरह समझ सकें वो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स या वो डिफरेंसेस जो कि लगेसी सस्टम्स वर्सेज मॉडर्न सिस्टम्स हैं विद रेफरेंस टू चेंज डेटा कैप्चर याद रहे कि चेंज डेटा कैप्चर डेटा एक्सट्रैक्शन के कॉन्टेक्स में बात की जाती है उसको लिया जाता है और हम सिर्फ उस डेटा को उठाना चाहते हैं जो कि चेंज हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अब मैं कुछ इसकी डिटेल में जाऊंगा आइए मेरे साथ मॉडर्न सिस्टम की बात करते हैं कि मॉडर्न सिस्टम में सीडीसी कैसे की जाती है चेंज डेटा कैप्चर कैसे किया जाएगा इसको करने से पहले इसको एक्सप्लन करने से पहले आप एक बात ज़रूर समझ लें वो बात समझने वाली ये है कि हम उस तरीके से सी करेंगे अगर सिस्टम में प्रोविज़न है हम सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे सिस्टम की कैपेबिलिटी को देखेंगे उसके डिज़ाइन को देखेंगे और उसके बाद हम ये फ़ैसला करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि चेंज डेटा कैप्चर हमने कैसे करना है वो जो चेंज डेटा कैप्चर हमने करना है उसके क्या तरीके हैं आप स्क्रीन पर एक नज़र डालें मैं ब्रीफली वो तरीके दिखाता हूँ और फिर उसकी डिटेल में जाएंगे टाइम स्टैम्प ट्रिगर्स पार्टीशनिंग। मैं अब आपको उसकी डिटेल बताता हूं। आइए मेरे साथ टाइम स्टैम्प से क्या मतलब है टाइम स्टैम्प का मतलब यह हुआ कि जब भी एक डीएमएल ऑपरेशन होगा डीएमएल ऑपरेशन कौन से होते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट जब भी एक डी ऑपरेशन होगा एक रिकॉर्ड एक एंट्री एक ऐसे कॉलम में कर दी जाएगी जो कि यह बताएगी कि यह ऑपरेशन किस वक्त हुआ था किस टाइम पे यह ऑपरेशन हुआ था आप मेरी बात समझ रहे हैं इसके साथ साथ यह भी नोट कर लिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन इन्वायरमेंट या डिपेंडिंग अपॉन द सी डी सी टेक्निक ऑपरेशन कौन सा हुआ था Changes आप आपने नोट कर लें एक कॉलम के अंदर टेबल के अंदर एक कॉलम है जिस पर टाइम नोट हो गया क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये टाइम नोट ना कर सकें बिल्कुल हो सकता है अगर आपके टेबल में जिस टेबल में चेंजेस की जा रही हैं अगर उसमें ऐसा कॉलम ही नहीं है कि जहाँ पे आप ये चेंजेस नोट कर सकें तो जाहिर है कि आप नोट कैसे करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस टेबल में एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा उस कॉलम को ऐड करेंगे और उसके बाद उस कॉलम में चेंजेस को नोट करेंगे इसका नुकसान क्या है इसका नुकसान क्या स्पेस का नुकसान है अगर पहले कॉलम नहीं था अब आपने कॉलम ऐड कर लिया यकीनन नहीं स्पेस का नुकसान नहीं है इसलिए कि हम ऑपरेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे टेबल साइज़ेस में जो रोज़ हैं वो मिलियंस में नहीं है हज़ारों में हैं टें थाउजेंड्स में हैं तो स्पेस का इतना बड़ा नुकसान इसमें नहीं है हाँ इसमें नुकसान इस बात का हो सकता है कि जब आप उस कॉलम को अपडेट करेंगे तो जो आपकी ट्रांजैक्शनल एफर्ट था या जो आपका ट्रांजैक्शन ऑपरेशन था उसमें आपने एक एडिशनल काम किया है और अगर बहुत सारे यूज़र्स उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं साममल्टेनियसली जैसा कि ऑपरेशनल सिस्टम में होता है परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ सकता है आप मेरी बात समझ गए तो टाइम स्टैंपिंग में एक कॉलम मौजूद था उस कॉलम में आपने टाइम स्टैम्प लगाई कि चेंज कब आया अगर कॉलम मौजूद नहीं था तो आपने कॉलम ऐड कर लिया ईजियर सेट दें डन हो सकता है कि कोई आपको वो कॉलम ऐड ही ना कर रहे थे उन्हीं रीजन्स की बेसिस पे जो मैंने आपको अभी बताए हैं अगर आप कॉलम ऐड नहीं कर सकते तो क्या इसका ये मतलब है कि चेंज डेटा कैप्चर ही नहीं किया जाएगा कतान नहीं इसका यह मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव अब आपको कोई और तरीका सोचना पड़ेगा वो तरीका क्या है उसको हम ट्रिगर्स कहते हैं ट्रिगर्स का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त कोई डी एम एल ऑपरेशन होगा जिस वक्त डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन होगा उस वक्त एक ट्रिगर फायर होगा और वह ट्रिगर किस टेबल पर फायर होगा ऑफकोर्स आपको टेबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे आप कहेंगे अच्छा जी ये टेबल ये टेबल ये टेबल ये टेबल, ये टेबल। इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इन टेबल्स के ऊपर अब ट्रिगर ने चलना है इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस आपकी मेमोरी में रन हो रहा है और जब भी सिलेक्टेड टेबल पे डीएमएल ऑपरेशन होता है जैसे ही ऑपरेशन होता है वो ट्रिगर फायर होगा और ट्रिगर फायर होने के बाद उस टेबल में अपडेट नहीं करेगा जिसमें कि चेंज की गई है उस टेबल में इसलिए अपडेट नहीं करेगा कि वहाँ ना तो वो टाइम स्टैम्प का कॉलम है और ना अपडेट अलाउड है ये किसी और टेबल में जाके एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा ठीक है जी या कोई हो सकता है लॉग फाइल हो उस लॉग फाइल में जाके एंट्री कर दी जाए कि ये डीएमएल ऑपरेशन इस वक्त हुआ था और जब आप डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उस टाइम के रेफरेंस से जो ऑपरेशन हुए थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ रोज़ को निकाल लेंगे सिलेक्ट टेबल्स में से ये तो आप बात समझ गए ये जो मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई हैं इनमें जो फ़र्क पड़ता है या जो फ़र्क है इसमें जो एक नेगेटिव एंगल आ सकता है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस का है क्योंकि आपकी मेमोरी में ट्रिगर चल रहा है आपकी मेमोरी से मुराद खुदा न खास्ता आपकी मेमोरी नहीं बल्कि सिस्टम मेमरी में एक ट्रिगर प्रोसेस चल रहा है तो ये दो तरीके हो गए तीसरा तरीका इसमें क्या है तीसरा तरीका कुछ इस तरह से है जो कि आपको याद होगा कि हमने काफ़ी लेक्चर्स पहले अब मुझे एक्जैक्ट नंबर तो याद नहीं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की बात की थी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के मुखलिफ तरीके मैंने आपको बताए थे और उसमें एक तरीका रेंज बेस्ड था रेंज बेस्ड का मतलब यह था कि वन सेट ऑफ रोज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टन एट्रीब्यूट वैल्यूज़ गो इंटू वन पार्टिशन अदर गो इंटू अदर पार्टिशन तो यहाँ हम पार्टिशनिंग की बात तो नहीं कर रहे जैसे कि वहाँ पे हमने फिज़िकली टेबल्स अलग कर लिए थे बल्कि यहाँ ये यह बात कर रहे हैं कि जो हम डेटा राइट कर रहे हैं टेबल्स के अंदर उनको किसी एक रेंज की बेस पे पार्टिशन कर लेंगे कि इस इस पॉइंट के बाद जो रेकर्ड आ रहे हैं वो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करते हैं और वह एटरीब्यूट क्या हो सकता है वह एट्रीब्यूट डेट है अब आपको पता है कि इस रो आई डी से लेकर इस रो आई डी तक डेट एक्स की सारी एंट्रीज हैं या चेंजेज हैं और इस डेट की जो एंट्रीज और चेंजेज़ हैं वो इन रो आई डी से इन रो आई डी तक है तो ये पार्टिशनिंग हो गई आपके टेबल की इट्स काइंड ऑफ ए लॉजिकल पार्टिशनिंग अब आप चेंज डेटा कैप्चर कैसे करेंगे अगर आपको पिछले हफ्ते का डेटा चाहिए चेंजेस को आपने नोट करना है तो इट्स वेरी सिंपल आप उस डेट पार्टीशनिंग की बेस के ऊपर जो रेंज बनी हुई है सिर्फ उसको देखेंगे एंड डेट्स अबाउट इट आपको पता है कि कौन से चेंज ऑपरेशंस थे उनको आप इंक्रीमेंटली उठा लेंगे सारा टेबल आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगा ऑपरेशनल टेबल की बात यहाँ पे हो रही है तो डेर स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ ये यह बता दिया कि मॉडर्न सिस्टम्स में चेंज डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है और उसके कौन से तीन तरीके हैं अब हम चलते हैं लेगेसी सिस्टम्स के ऊपर कि लेगेसी सिस्टम्स में चेंज डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस सीडीसी के इश्यूज क्या हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न सिस्टम्स में और लगेसी सिस्टम्स में जो चेंज डेटा कैप्चर किया जाता है उसके एडवांटेज़ क्या हैं याद रखें हम जो भी चीज़ इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं और हम जो कॉन्सेप्ट डिवेलप कर रहे हैं वो चीज़ें इसलिए नहीं हैं कि उनकी कोई थोरेटिकल सिग्निफिकेंस है या से फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आज एक फ़ला दिन है अगर आज सन्डे है तो सन्डे को ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं या मंडे कोई चीज़ें डिस्कस की जाती हैं है। कतान ऐसी बात नहीं है आप यकीन मेरी बात समझ गए होंगे तो अब हम चलते हैं लगेसी सिस्टम्स में चेंज डेटा कैप्चर कैसे किया जाता है जी डियर स्टूडेंट्स लगेसी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं लगीसी सिस्टम्स इम्प्लीमेंटिंग चेंज डेटा कैप्चर अब मैं जिन पॉइंट्स की डिटेल में जाऊंगा वो पॉइंट्स मुखसर तौर पे बुलेट्स की शक्ल में मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि आपको पता हो कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है आपने बात समझनी है जो डिटेल्स मैं बताऊंगा वो आपको कोर्स नोट्स में मिल जाएंगी अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं कन्सेप्ट डिवेलप करना चाहते हैं जो कि आपको यकीन करना चाहिए तो वह आपको किताबों में मिल जाएगा तो एक नज़र डाल लें उन पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं उन पॉइंट्स को चेंजेस रिकॉर्डेड इन टेप्स चेंजेस रीड एंड रिमूव फ्रॉम टेप्स प्रॉब्लम्स विद रीडिंग ऑल लॉग जर्नल टेप्स आर मैनी तो यहां पे हमने टेप्स की बात की जब हम मॉडर्न सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो वहाँ टेप्स का कोई जिक्र नहीं आया था कतन कोई जिक्र नहीं था वहाँ टेबल्स की बात हो रही थी रोज की बात हो रही थी रेकर्ड्स की बात हो रही थी जो लगेसी सिस्टम्स हैं उनमें एज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको एसओपी भी कहा जाता है एज अ डिफॉल्ट जो भी ऑपरेशन किए जा रहे होते हैं उनको टेप पे राइट करते जाते हैं जो भी ऑपरेशन होगा डीएमएल ऑपरेशन हुआ और भी जो मुख्तु ऑपरेशन हो रहे हैं दे आर कंटिन्यूसली बींग रिटर्न टू द टेप इस तरह से एक इन वे सिस्टम का ऑपरेशन का बैकअप भी मेंटेन होता रहता है मकसद कहने का यह है कि जो टेप्स पे ये राइटिंग हो रही है ये चेंज डेटा कैप्चर के रेफरेंस से राइटिंग नहीं हो रही आप मेरी बात समझें ये मैंने एक बहुत बड़ा फ़र्क बताया आपको लेगेसी सिस्टम वर्सेस मॉडर्न सिस्टम मॉडर्न सिस्टम्स में जो चेंज डेटा कैप्चर की रूटीनस थी वो आज मौजूदा डेटा सिस्टम्स में स्टैंडर्ड रूटेंस की शक्ल में आती हैं बाज में तो ये सीक्वल के कंस्ट्रक्ट्स हैं कमांड्स हैं जो चेंज डेटा कैप्चर करते हैं उसका नतीजा क्या है उसका नतीजा यह है कि इट्स वेरी एफिशेंट जो लगेसी सिस्टम्स हैं जब वो दस साल पंद्रह साल या अठारह बीस साल पहले बनाए गए थे तो वो डेटा वेयर हाउस को पॉपुलेट करना इनक्रीमेंटली ये जेन में रखे नहीं बनाए गए थे इसका मतलब एक बड़ा वाजह है जो कि मैंने आपको तीसरी बुलेट में दिखाया था कि इसमें यकीन प्रॉब्लम्स होंगी और इसमें प्रॉब्लम्स यकीन होती हैं तो हमने पहली तो ये बात कर ली कि टेप्स मौजूद हैं जहाँ पे यह डेटा रखा होता है राइट किया जाता है अब जो मैंने दूसरा पॉइंट आपके सिलसिले में बताना है इस पर एक नज़र डाल लें जल्दी से स्क्रीन पे देखिएगा चेंजेस रीड एंड रिमूव फ्रॉम टेप्स तो हम बात कर रहे हैं उन लॉग और जनरल टेप्स की जहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होते रहे हैं लगेसी सिस्टम पे वो उन टेप्स पे लगातार लिखे जाते रहे हैं कंटिन्यूसली बींग रिटर्न रिटर्न एंड रिटर्न तो चेंज डेटा कैप्चर कैसे करेंगे चेंज डेटा कैप्चर करने का मतलब ये हुआ कि उस पे जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती रही है जर्नल और लॉग टेप के ऊपर उसमें से जो आपके एक्सट्रक्शन वाले या जो डी एम कमांड्स के जो ऑपरेशन थे उन ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना उन ऑपरेशंस को पिक करना और उन ऑपरेशंस को निकाल के कहीं आपने रख लेना और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस लेगेसी सिस्टम में थी उन चेंजेस को आपने उठा लेना और उनसे आपने आगे काम चलाना है मिसाल के तौर तो पे एक मैं आपको एनालजी देता हूँ शायद इतनी अच्छी ना हो लेकिन शायद आपने कभी देखा होगा ख़ास तौर तो पर अंग्रेज़ी फिल्मों में जब कोर्ट रूम दिखाया जाता है और वहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो वहाँ कोई शख्स बैठ के या खातून बैठ के टाइप कर रही होती है आम तौर तो पर वो ब्रेल में टाइपिंग हो रही होती है मकसद कहने का ये है कि वो या नॉन ब्रेल भी टाइपिंग हो सकती है या प्रोसीडिंग रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं तो जो आपकी इंटरेस्ट की कोई एक्शन है या कोई इंटरेस्ट की कोई कॉमेंट था उसकी बेसिस पर आप उसको सर्च कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को और आपको पता चल जाता है ये चीज़ कब और कहाँ कैसे हुई थी तो पॉइंट ये पता चला कि हमें लेगेसी सिस्टम में चेंज डेटा कैप्चर करने के लिए कोई ख़ास मैकेनिज्म नहीं बनाना पड़ा जो पहले एक मैकेनिज्म बैकअप के रेफरेंस से चल रहा था हमने उसी को इस्तेमाल किया और वहां से हम चेंज डेटा कैप्चर इंप्लीमेंट कर लेंगे लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे चेंज डेटा कैप्चर के लिए जो कि चेंज डेटा कैप्चर के लिए नहीं बनाया गया था तो आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको स्लाइड पर दिखाया था वो पॉइंट क्या था उस पर एक नज़र डालें और फिर मैं आपको उस पॉइंट की डिटेल्स बताता हूं प्रॉब्लम्स विद रीडिंग अ लॉक जर्नल टेप आर मैनी यह जो जर्नल टेप होती है इसमें सिर्फ टाइम स्टैम्पिंग या डीएमएल ऑपरेशंस नोट नहीं किए जाते इसमें तो बहुत सारी और भी इंफॉमेशन लिख दी जाती है और उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जब तक आप स्कैन नहीं करेंगे तब तक आप फिल्टर नहीं कर सकते और याद रखें जो टेप की स्कैनिंग है इट्स नो स्मॉल टास्क इट्स नो स्मॉल फीट इसलिए कि टेप को रोल करना पड़ता है टेप को रिवाइंड करना पड़ता है इट्स ए प्योरली मैकेल डिवाइस वो हंड्रेड ऑफ फीट टेप की लेंथ होती है इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड इट्स अ वेरी स्लो टास्क आप मेरी बात समझे? और ये इसलिए भी बड़ा पेनफुल टास्क है कि लेगेसी सिस्टम्स वैसे ही स्लो होते हैं बड़ी टेप्स पड़ी होती हैं वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि हम इस पॉइंट पर भी चले जाते हैं कि रोबोटिक लाइब्रेरीज के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं जब हम वेयर हाउस का बैकअप लेते हैं अगर आपको याद हो ये ई के पहले लेक्चर में बात हुई थी एक बात तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम जो इन टेप्स के साथ है इन टेप्स के जो फॉर्मेट्स हैं बड़े आरकेन किस्म के होते हैं मकसद कहने का ये है कि एक कंपनी ने वो टेप बनाई ये उस जमाने की बात कर रहे हैं हम जब ओपन सिस्टम्स का कंसेप्ट नहीं था एक कंपनी ने टेप बनाई उसने एक अपना फॉर्मेट रखा डेटा को स्टोर करने के लिए दूसरी कंपनी ने कोई और तरीक़े का फॉर्मेट रखा डेटा स्टोर करने के लिए हर एक के फॉर्मेट फ़र्क हो सकते हैं और जिस फॉर्मेट का आपको पता नहीं है वो यकीनन आपको आरकेन लगेगा ये बात समझ रहे हैं आप और इसमें क्या मसला है इसमें मसला ये है कि इसमें आमतौर तौर पर एड्रेस लिख दिए जाते हैं वो आपको पॉइंट करते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ मिलेगी मेरी बात समझ रहे हैं आप यानि कि जिस चीज़ की आपको तलाश है वहाँ आप डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते वहाँ पर आपको एक जगह लम्बे तरीके से जाना पड़ेगा मेरी बात समझ रहे हैं आप और ये जो डेटाबेस सिस्टम्स उन टेप्स के ऊपर जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो भी वेरी कर सकते हैं मकसद कहने का ये है कि इसमें सारे के सारे वो मसाइल इंट्रेंजिकली मौजूद हैं इन जनरल टेप्स के साथ जो कि डेटा वेयरहाउस में हेट्रोजीनियस सोर्सेस से डेटा लाने में हो सकते हैं आपको उम्मीदें है मेरी बात समझ आ गई होगी ये तो लगेसी सस्टम्स के ऊपर सी की सवाल ये पैदा होता है अगर इतने मसाइल हैं तो ये काम क्यों किया जाता है एक तो बड़ी वाज बात है कि आपने वेयर हाउस को लोड करना है और अगर आप उसको इंक्रीमेंटली लोड करेंगे चेंज डेटा से तो काम जल्दी होगा तो पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा चेंज डेटा कैप्चर के विद रेफरेंस टू मॉडर्न सिस्टम्स उसके बाद में आपको एडवाटेजेस बताऊँगा विद रेफरेंस टू लेगेसीस्टम्स तो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ एडवांटेजेस ऑफ़ सी डी सी मॉडर्न सिस्टम्स इसके एडवांटेजेस क्या हैं इसके तीन बड़े एडवांटेज हैं पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं पहला एडवांटेज तो ये है इट इज़ ऑलमोस्ट इमीडिएट इमीडिएट का क्या मतलब है इमीडिएट का मतलब ये है कि जैसे ही एक डी एम एल ऑपरेशन हुआ फौरी तौर पर किसी टेबल में या लॉग फाइल में या उसी टेबल में एक हो एंट्री हो गई फौरी तौर पर एंट्री हो गई ठीक है जी और एंट्रीज लगातार होती जा रही हैं एक बात आप समझने की कोशिश करें अगर आप ऐसा टेबल मेंटेन ना कर रहे होते या ऐसा कॉलम मेंटेन ना कर रहे होते या ऐसे ट्रिगर्स ना रखे होते उस सूरत में जो आपके अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन हैं या इनकी कॉम्बिनेशन है या इंसर्ट के रेफरेंस से देखें देर कुड इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल डेटा इसलिए कि आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंसर्ट किया इंसर्ट करने के बाद ये ऑपरेशन सिस्टम की बात हो रही है वहाँ इंसर्ट किया उसके बाद उसको अपडेट किया ठीक है जी उसके बाद हो सकता है उसको फिर अपडेट किया हो अब आप बता सकते हैं कि पहली वैल्यू क्या इंसर्ट हुई थी अपडेट होने के बाद वैल्यू क्या थी और ये जो वैल्यू आई है ये चौथी अपडेट है कि पाँचवीं अपडेट है आप मेरी बात समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा इशू है अ डेटा वेयर हाउस इज़ ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल डेटा तो जब आपके पास ऐसे टेबल्स होंगे जिनमें कॉलम रखे होंगे या टेबल्स में एंट्रीज हो रही होंगी ट्रिगर्स चल रहे होंगे तो तब हिस्टोरिकल डेटा का लॉस नहीं हो रहा होगा आप ये मेरी बात समझें मैं अब आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ वो जो एडवांटेज है मॉडर्न सिस्टम्स में चेंज डेटा कैप्चर करने का वो तीसरा पॉइंट क्या है वो तीसरा पॉइंट बड़ा ऑबियस है वो ये है कि हम रिलेशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम टेबल्स की बात कर रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि जो डेटा जो चेंजेस आई थी उनको आपने पहले किसी फ्लैट फाइल में भर दिया और वो जो फ्लैट फाइल थी फिर उसको आपने पार्स किया उससे कोई टेबल पॉपुलेट किया और उसके बाद फिर आपने आइडेंटिफाई की चेंजेस कौन सी कहाँ से थी यहाँ पर कोई फ्लैट फाइल इस्तेमाल नहीं हो रही यहाँ पर टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ सीक्वल इस्तेमाल हो रही है ये इमीडिएटली चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन हो रहा है तो इसके तो सारे फ़ायदे ही फायदे हैं इसका नुकसान कोई नहीं है इसीलिए ये एक एज़ फीचर्स नए वर्जन में और कुछ पुरानों में भी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अवेलेबल है चेंज डेटा कैप्चर अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ लेगेसी सिस्टम्स के एडवाटेज़ यानी कि सी के लेगेसी सिस्टम में क्या एडवांटेज है लेगेसी सिस्टम्स एडवाटेजेज ऑफ चेंज डेटा कैप्चर इसके कुछ चार मोटे मोटे एडवांटेज हैं मैं आपको ब्रीफली वो स्क्रीन पर दिखाता हूँ उसके बाद हम उनके बारे में बात करेंगे नो इंक्रीमेंटल ऑनलाइन आई यू रिक्वायर्ड द लॉक टेप कैप्चर्स ऑल अपडेट प्रोसेसिंग लॉक टेप प्रोसेसिंग कैन बी टेकन ऑफ लाइन नो हेस टू मेक वेस्ट इसके बहुत सारे फवाद हैं उसके हम जरा बारी बारी चलते हैं पहली बात तो ये है कि आपने कोई ऑनलाइन कुछ निकालते नहीं हैं आईओ नहीं करना पड़ रहा आपको लगेसी सिस्टम में से मतलब कहने का ये है कि जो लगेसी सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो टेप में लगातार लिखी जा रही हैं लिखी जा रही हैं लिखी जा रही हैं इसलिए आपको लगेसी सिस्टम से कुछ निकाल के ले नहीं आना पड़ रहा किसी और इन्वामेंट में किसी स्टेजिंग एरिया में या किसी और सर्वर के ऊपर जहाँ से कि आप वेयर हाउस में लोड कर लें इसका मतलब ये हुआ कि जो लगेसी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो ख़राब नहीं हो रही वो परफॉर्मेंस ख़राब इसलिए नहीं हो रही कि लगेसी सिस्टम में टेप पे राइटिंग तो पहले ही दिन से होती आ रही है मतलब है कि आपने कोई एडिशनल चीज़ तो कराई नहीं उससे इसलिए कोई मसला नहीं है आप मेरी बात समझ रहे हैं लॉग टेप्स को इस्तेमाल करने का एक और भी बड़ा फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि हर चीज़ टेप में लिखी जा रही है इसका यानी कि बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कल को या चंद सालों के बाद अगर फ़ैसला कर जाता है कि नहीं ये चीज़ भी हमें चाहिए थी ये चीज़ भी होनी चाहिए थी तो वो चीज़ भी आपको हो सकता है लगीसी टेप की जो जर्नल टेप है बैकअप टेप है वहाँ से मिल जाए इसलिए कि हर कुछ जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं जो भी चीज़ें हैं वो टेप पे लिखे जा रहे हैं मतलब कहने का ये है कि अगर आपने आ, ऐसी इन्वायरमेंट थी जहाँ पे कुछ आप लिखना भूल गए और कल को आपको पता चलता है कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड होनी थी तो लगेसी इन्वायरमेंट में वो इशू कोई नहीं है ये चीज़ तो बात क्लियर हो गई आपको ये जो टेप प्रोसेसिंग है इट कैन बी टेकन ऑफ लाइन इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि टेप के ऊपर डेटा राइट हो रहा है लगातार और उसके बाद आपने मुनासिब टाइम पे उस टेप को स्पूल को उतारा आपने लेगेसी सिस्टम की ड्राइव में से और उसको ले जा के ऑफ लाइन में आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी ऑफ लाइन में इसलिए कि वहाँ कोई और आप टेप लगा देंगे उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अगेन परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा और आखिरी पॉइंट जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा वो पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि हेस्ट मेक्स वेस्ट Over here there is no haste, so there is no waste। क्या मतलब है इसका मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ तो बात कर रहे थे कि no haste, no waste। क्या मतलब हुआ इसका जब हम एक कन्वेंशनल इन्वामेंट की बात करते हैं और जो चेंजेस हैं वो डेटा वेयर हाउस में लोड की जा रही हैं तो एक तरह से आग लगी हुई है कि ओ जी ओ जी चेंजेस आ गए हैं जी चेंजेस आ गए इनको प्रोसेस करें इनको प्रोसेस करें वो मार धाड़ की सिचुएशन है कोई चीज़ें सीधी हो रही कोई चीज़ें गलत हो रही हैं कोई चीज़ें मिस हो रही हैं कोई चीजें हो ही नहीं रही ठीक है जी लेकिन जब हम इस टेप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो कुछ भी चेंजेज आई हैं वो टेपे रिकॉर्ड हो चुकी हैं अब काम बड़ा आसान हो गया अब टेप को उतारें और उसको आराम से उन चेंजेस को प्रोसेस करें प्रोसेस आपने चेंजेस को क्या करना है आपने कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस को एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसफार्म आप सेपरेट सर्वर पे कर लें या डेटा वेरहाउस सर्वर पे कर लें सुकून से करें आराम से करें जल्दी कोई नहीं है तेजी कोई नहीं है नो हेस्ट नो वेस्ट तो ये तो डे स्टूडेंट्स बातचीत हो गई लेगेसी सिस्टम में चेंज डेटा कैप्चर कैसे कर जाता है और उसके फ़वाद क्या हैं अब मैं आपको बताऊँगा कि एक्स्ट्रैक्शन से चल के हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो आइए उसके बारे में बात करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की अब हम डिटेल में जाते हैं डिटेल क्या है मैं आपको बताता हूँ मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बेसिक टाइप्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी ई के लेक्चर में जो ई का पहला लेक्चर था वो जो बेसिक टाइप्स थी जो बेसिक ऑपरेशन्स थे उनकी कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे और भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन कर सकते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड आई है और जो अगली स्लाइड भी आएगी उसमें वो मेजर ऑपरेशन लिस्टेड हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में किए जाते हैं और ये ऑपरेशन्स ऐसे आपको क्यों लग रहे हैं कि जिनके बारे में पहले बात हो चुकी है वो आपको इसलिए लग रहे हैं जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस हैं वो बेसिक ऑपरेशंस को लेके और फिर मेजर ऑपरेशंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी ये 11 ऑपरेशंस हैं मैं जल्दी जल्दी इन 11 के 11 ऑपरेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ पे मैं शायद ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। डिटेल आपको नोट्स या किताब में मिल जाएगी तो उन ऑपरेशन की डिटेल्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं रीफॉर्मेटिंग, डिकोडिंग एंड कैलकुलेटिंग तो रीफॉर्मेटिंग का क्या मतलब है रीफॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे भी आ चुके होंगे जिनके बारे में अभी बात करूंगा। रीफॉर्मेटिंग। इसका मतलब यह है कि डेटा आपको जिस फॉर्मेट में मिला था जिस फॉर्मेट में आपने ऑपरेशन सिस्टम से निकाला था वेयर हाउस में आके हो सकता है कि आपको वो फॉर्मेट चेंज करना पड़ जाए आपको फॉर्मेट चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ये बिजनेस की बन चुकी है मिसाल के तौर पे नेशनल आईडी नंबर को लेते हैं जो पुराने शनाख्ती कार्ड थे उनमें ये 11 डिजिट का हुआ करता था अब ये 12 डिजिट का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अगर पहले फील्ड 11 की रखी हुई थी अब बारह की रखनी पड़ेगी इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है जो مختلف मैनुफर ने प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसका डेटा वेयरहाउस में आ रहा है ठीक है जी अब प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट की कोई कोड होगी कोई उसकी की होगी कोई इसका नाम होगा कोई इसकी डिस्क्रिप्शन होगी अब जो मुख्तु मैन्यूफैक्चरर्स हैं वो अपनी अपनी कन्वीनियंस देखते हुए अपना अपना रिक्वायरमेंट देखते हुए उन फील्ड्स की लेंथ साइज़ और टाइप सेट करेंगे मेरी बात समझ रहे हैं जब ये सारा डिस्पेरियड सोर्सेज से डेटा वेयर हाउस में आ जाएगा तो आपने उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेके आना है इसका मतलब है कि आपको फॉर्मेट करने पड़ेंगे चेंज फॉर्मेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा ठीक है जी एक बात होगी एक नज़र फिर आप स्क्रीन को देख लें जिन पॉइंट्स के बारे में हमने बात करनी है मैं बताता चलूँ आपको डिकोडिंग ऑफ फील्ड्स डिकोडिंग ऑफ फील्ड्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी डिकोडिंग ऑफ फील्ड्स का मतलब ये है कि जो डेटा आपके पास आया है उसमें कुछ कोड्स इस्तेमाल की गई हुई हैं वो कोड्स खासी आरके कोड्स भी हो सकती हैं वो कोड्स आर का मतलब है कि समझ ही किसी को ना है सिवाय उसके कि जिसने वो कोड लगाई थी तो जो इसकी सिंपल मिसाल है वो तो ये है कि अगर जीरो वन से जेंडर को रिप्रेजेंट किया गया है या एम और एफ से जेंडर को रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको मेल या फीमेल से रिप्रजेंट कर दें ये बात मेरी समझ रहे हैं आप इसके बाद जो अगला पॉइंट है या जो अगला जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कैलकुलेटेड एंड डिराइव्ड डेटा अगर आप जेन पे जोर डालें तो आपको याद आएगा कि हमने डी नॉर्मलाइजेशन में डिराइव्ड एट्रीट्यूट्स के बारे में बात की थी डिराइव्ड डेटा के बारे में बात की थी मतलब इसका ये है कि बजाय कुछ ऑपरेशंस आप रन टाइम पर करें आप उन रिजल्ट्स को कंप्यूट करके टेबल में स्टोर कर लेते हैं मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर आपके पास सेल्स का डेटा है आपके पास ये डेटा है कि आपने वो आइटम्स कितने प्राइस के लिए थे से प्रॉफिट मार्जिन क्या था टैक्स कितना दिया या डिस्काउंट कितना दिया इस सारे डेटा को आप ले के इन सारे कॉलम्स को आप ले के, एक कॉलम नया क्रिएट कर देते हैं अपनी इन्वामेंट में जिसमें पता चलता है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था ठीक है जी इसी तरह से आप एक कॉलम एज का बना सकते हैं एज से क्या मतलब है आपके पास किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मौजूद है आप करंट डेट की बेसिस पे एज निकाल सकते हैं ये एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो मैंने आपको पहले बताया था वो कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट था उसके बाद एक और बात के बारे में बताऊं मैं आपको मैं स्क्रीन चेंज करता हूं। स्प्लिटिंग ऑफ कॉलम्स क्या लें ऐसे आप स्प्लिटिंग ऑफ कॉलम का जो हमने बात की थी वो हमने की थी आप याद करें कहाँ पर की थी हमने ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस से की थी जहाँ वन टू मैनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई थी आम तौर पे क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक ही टेक्स्ट बॉक्स में या फील्ड में डाल दिया जाता है मिसाल के तौर पे मकान का नंबर गली नंबर रोड का नाम शहर का नाम अगर इस्लामाबाद के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो सेक्टर का नाम वगैरह वगैरह अब अगर डिसीजन मेकर ने यह एनालिसिस करनी है कि कस्टमर्स किस सेक्टर के हिसाब से कितने हैं और कैसे हैं वो ये नहीं कर सकता है एनालिसिस इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन अलग से मौजूद नहीं है आप मेरी बात समझ रहे लें तो वो इन्फॉर्मेशन अलग से मौजूद नहीं है जब आप ये स्प्लिटिंग करते हैं वन टू मैनी आप उस डेटा को निकाल के अलग कॉलम्स पॉपुलेट कर लेते हैं और फिर आपको उन क्यूरीज का जवाब मिल जाता है तो जो मैंने अगले आपसे दो पॉइंट्स डिस्कस कर ले हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं और फिर मैं आपको उन पॉइंट्स की डिटेल बताता हूँ तो एक नज़र आप स्क्रीन पर डालिएगा वो दो पॉइंट्स कौन से हैं मर्जिंग एंड करेक्टर कन्वर्जन मर्जिंग का मतलब क्या है मर्जिंग से ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत से कॉलम उठाए और उसको जोड़ के आपने एक कॉलम बना लिया किसी हद तक तो ये बात ठीक है लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह बात मैं बहुत रिपीट भी कर चुका हूँ कि अ डेटा वेयर हाउस इज़ अबाउट कलेक्टिंग डेटा फ्राम हैट्रोजीनियस डेटा सोसिस फ्राम डिफरेंट डेटा सोर्स डेट्स अ डेटा वेयर हाउस अब हम प्रोडक्ट की मिसाल लेते हैं आपको एक डेटा सोर्स से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मिल गई एक डेटा सोर्स से आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग की मिल गई, एक डेटा सोर्स से आपको प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल गया मतलब कहने का यह है कि आपको मुख्तलिफ डेटा सोर्सेस से आपको मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन मिल रही है एक आइटम के बारे में और वो आइटम क्या है वो आइटम प्रोडक्ट है मर्जिंग में आप क्या करेंगे मरजिंग में आप ये करेंगे कि जो मुख्तु कॉलम्स में जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी उन सबको उठा के एक जगह जमा कर देंगे दैट इज़ मरजिंग आप बात समझ गए इसके बाद जो एक और पॉइंट है ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया था ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ मैं कहता हूँ ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था इसकी दो वजूहत हैं एक वजह तो इसकी ये है कि जो हमने बेसिक ऑपरेशंस की बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की उन बेसिक ऑपरेशंस की कॉम्बिनेशन से मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं दूसरी बात ये है कि ये मुख्तफ़ चीज़ें हैं इनको मुख्तलि आखिर डेटा वेयर हाउस में इंटीग्रेशन तो है आपको याद होगा मैंने लेक्चर फोर में आपको बताया था पुटिंग द पीसिस टुगेदर ये चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें साथ मिली हुई हैं इसलिए इनमें कॉमनलिटी आना कोई ऐसी बात नहीं है करेक्टर के अनोजन का क्या मतलब है जो लेगेसी सिस्टम्स हैं वो अपनी अपनी डेटा टाइप्स के साथ चलते हैं जो करेक्टर टाइप्स होती हैं मिसाल के तौर पे एप्सिडिक एक करेक्टर टाइप है एप्सडिक डेटा को अगर आप उठाएं और एक अनर्जेटिक्स है प्रोग्रामर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का और वो कहता है जी ये है तो मसला ही कोई नहीं है जी डेटा उठाया लेगेसी सिस्टम से और उठा के लोड कर लिया ओपन सिस्टम में से कोई यूनिक्स बेस्ड इन्वायरमेंट है या विंडोज बेस्ड इन्वायरमेंट है वो डेटा चल के नहीं दिखाएगा इसलिए वो एसकी में नहीं है तो करेक्टर कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपने एफ्सडिक से डेटा को एसकी में लेके आना है उसके बाद ही काम होगा सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर स्टेप है मैं अब आपको मज़ीद स्टेप्स के बारे में बताता हूँ मेरे साथ आइए इसके मज़ीद स्टेप्स क्या हैं हम उन स्टेप्स की तरफ चलते हैं यूनिट कन्वर्जन डेट टाइम कन्वर्जन समिंग एंड एग्रीगेशन पहला पॉइंट यूनिट कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन का क्या मतलब है जब हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं तो हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते जो गली के नुकड़ पे दुकान है करियाने वाले उन्हें तो डेटा वेयर हाउस नहीं बनाना हम जिसकी बात करते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है ठीक है जी हाँ उसका एक सेटअप पाकिस्तान में भी है पाकिस्तान के मुख्तु शहरों में है और दुनिया भर में उसके ऑपरेशन फैले हुए हैं उसका एक यकीन सेंट्रल हैड ऑफिस भी होगा जहाँ सैरा सेंट्रलाइज डेटा ला जमा किया जाता होगा जहाँ पर वेयरहाउस बनाया गया है अब हो सकता है कि उसका ऑपरेशन उस कंपनी का जो अमरीका में था वहाँ पे जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वो किस में हो रही हैं वो माइल्स में डिस्टेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वेट जो है वो पाउंड्स में रिकॉर्ड हो रहा है कोर्स टाइम तो सेकंड्स में रिकॉर्ड हो रहा होगा उसके जो ऑपरेशन पाकिस्तान में है जहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में रिकॉर्ड हो रहे हैं वेट किलोग्राम में रिकॉर्ड हो रहा है तो जब आप पाकिस्तान से डेटा उठा के अमरीका के सेंट्रल ऑफिस में ले जाएंगे या किसी और सेंट्रल ऑफिस में ले कर तो डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए या सारे वेट्स किलोग्राम में हो या पाउंड्स में हो यह चीज़ सेम होनी चाहिए तो ये है यूनिट कन्वर्जन उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी यूनिट कन्वर्जन के बाद हम चलते हैं डेट टाइम कन्वर्जन पे जो कि मेरे पीछे स्क्रीन पे डी स्लैश टी से आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि जगह नहीं थी मैंने इसलिए डी और टी की एवरीवेशन इस्तेमाल की है डेट कन्वर्जन की मैं आपको मिसाल देता हूँ मिसाल के तौर पे एक डेट है नवंबर 14 2005 ये एक डेट है अगर हम अमेरिकन सिस्टम में डेट रिप्रेजेंटेशन पे जाएं तो ये डेट कैसे स्टोर होगी ये डेट में पहले महीना आएगा फिर दिन आएगा फिर साल आएगा ये क्या बन जाएगा 11/14/2005 ये तो अमेरिकन सिस्टम में हो गया यूएस सिस्टम में हो गया अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करें वहाँ पे क्या होगा यही डेट कैसे लिखी जाएगी 14/11/2005 अब ये डिसपेट डेट्स जो डिसपेट मुल्कों से वेयरहाउस में जाएंगी इनको तो कंसिस्टेंट होना चाहिए वरना ए नाइट मेयर ये तो एतफाक़ से मैंने फोटीन की मिसाल दी अगर ये डेट 12 से कम होती या 11-11-2005 होता तो क्या पता चलता कि महीना कौन सा है और तारीख कौन सी है वैसे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो जब इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे तो हो सकता है कि हम इसको ऐसे स्टोर करें कि एन ओ वी फोर्टीन टू थाउजेंड एंड फाइव ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी ठीक है जी अगला पॉइंट देखते हैं कि वो क्या था अगर मैं मिस नहीं कर गया तो समिंग एंड एग्रीगेशन समिंग एन एग्रीगेशन डेटा वेयर हाउस में जो डेटा रखा जाता है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है और वो डेटा समराइज फॉर्म में होता है वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको फ़र्क भी बताता हूँ इनके दरमियान क्या है जी अजीज़ साथी होलबा वालबात डेटा वेयरहाउस में स्नैप शॉट्स ऑफ डेटा होती हैं ठीक है जी उसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा रखा जाता है फ्राम अ मैक्रोस्कोपिक परस्पेक्टिव आप बात समझ रहे हैं इसलिए डेटा को समराइज़ करके वेयर में रखा जाता है समराइज़ का मतलब ये है कि जो एक सेम कॉलम है या सेम एट्रीब्यूट है उसको आप ऐड कर लेते हैं याद रखें आप सिर्फ उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं विच आर एडिटिव नॉन एडिटिव चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते इवन इफ इव दे आर नमेरिक इसका क्या मतलब है ये मुझसे ना पूछिए यह मैं आपको डिटेल में पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ तो समराइजेशन तो ये हो गई कि एक एट्रीब्यूट की चीज़ों को आपने ऐड कर लिया ठीक है जी एग्रीगेशन का क्या मतलब है एग्रीगेशन का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें समराइज़ की हुई थी उसके ऊपर आपने कोई बिजनेस कैलकुलेशन अप्लाई की और समराइजेशन को ले कर बिजनस कैलकुलेशन अप्लाई करके जो आपके पास चीज़ आई रिजल्ट आया उसको कहते हैं एग्रीट एग्रीगेट की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ सीधी सी साधी सी मिसाल है मिसाल ये है कि अगर आपके पास मंथली सेल्स का रिकॉर्ड है विच इज़ ए समराइजेसन अगर आपके पास मंथली बोनसेस का रिकॉर्ड है विच इज़ अगेन ए समराइजेसन तो आप मंथली सेल की समराइजेशन प्लस जो मंथली बोनस की समराइजेशन है उसको एग्रीगेट करेंगे तो आपके पास किसी सेल्स पर्सन की मंथली कंपनसेशन आ जाएगी ये बात समझ आ गई आपको सवाल यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये तो मैंने आपको जरा होलिस्टिक सा बताया था कि जी एग्रीगेट और समराइजेशन क्यों रखी जाती है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट के लिए इसके कुछ और भी बड़े वाज़े वाज हैं। मैं आपको वो रीज़न्स बताता चलूँ आइए मेरे साथ वाई बोथ एग्रीशन एंड समराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड तो इसको ज़रा एक नज़र स्क्रीन पर डाल लेते हैं हमने पॉइंट्स डिस्कस क्या किए थे फिर मैं उनकी डिटेल पे जाता हूं वाई बोथ आर रिक्वायर्ड आपको ये दौर इसलिए चाहिए एग्रीगेशन और समराइजेशन आपके पास जो ग्रेन डेटा की आ रही है वेयर हाउस के अंदर ठीक है अगर वो ग्रेन जो आपने रखनी थी उनमें अगर कोई मिसमैच है तो आप समराइजेशन करके रिक्वायर्ड ग्रेन के लेवल पर आ जाएंगे आप ये मेरी बात समझ रहे हैं दूसरी बात यह है अच्छा ग्रेन के बारे में एक बात कहता चलो ग्रेन इस काइंड ऑफ ट्रिकी कुछ लोग हाई ग्रेन का मतलब ये लेते हैं जैसे कि हमने भी लिया था जब द ग्रेन इज़ हाई द लेवल ऑफ डिटेल इज मोर मोर डिटेल हाई ग्रेन एंड लो ग्रेन लो डिटेल कुछ लोग इसका मतलब ऑपोजिट भी ले, ले लेते हैं तो जब आप ग्रेन के रेफरेंस किसी से बात करें तो ये ज़रूर बता दें कि लो और हाई से आप क्या मतलब ले रहे हैं ठीक है जी तो अगर ग्रेन का मिस हुआ जो ग्रेन वेरहाउस में रखनी थी डिटेल डेटा ज़्यादा डिटेल में था आपके पास जो ऑपरेशनल सिस्टम से आया तो उसको आप समराइज़ कर लेंगे एक वजह और भी हो सकती है हो सकता है कि आपके वेयर हाउस में इतनी स्पेस ही नहीं है कि आप सारा डिटेल डेटा रख सकें इसलिए आप उसको एग्रीगेट कर लेते हैं दूसरी बात दूसरी बात यह है कि आप डेटा मार्टस मैंटेन कर रहे हैं विच आर सिग्निफिकेंटली डी नॉर्मलाइज्ड उसमें एग्रीगेट्स रखे जाते हैं इसलिए आप डेटा को समराइज़ और एग्रीगेट करते हैं देट इज़ अ रीज़न फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि जो डिटेल डेटा आपने रखा हुआ है वेयरहाउस के अंदर उस डिटेल डेटा की अब आपको ज़रूरत नहीं रही इट इज़ लूजिंग यूटिलिटी इसलिए बजाय एक सर्टन डिटेल लेवल के रखने के उसको आप एग्रीगेट कर लेते हैं इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ देखते हैं अगला पॉइंट क्या है की रीस्ट्रक्चरिंग एंड डी डुप्लीकेशन की रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है की रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बड़ा वाज़े है और वो मतलब ये है कि आपके वेयर हाउस में जो टेबल्स आए हैं डेटा आया है उसमें कोई प्राइमरी की यकीनन होगी तो जो प्राइमरी की उसके अंदर बनी हुई है वो प्राइमरी की किस बेसिस पे बनाई गई है वो उस बिजनेस ने उस ऑपरेशनल सिस्टम्स के डवेलपर ने अपनी काम को आसान करने के लिए या ऑपरेशन को आसान करने के लिए वो की खुद ही मैन्युफैक्चर की है एक नज़र आप स्क्रीन पे डालें मैंने इसकी एक मिसाल आप ली रखी हुई है यहाँ पे देखें कि की के चार हिस्से हैं यानी कि कंट्री कोड सिटी कोड पोस्ट कोड और प्रोडक्ट कोड और यहाँ मैंने कोड्स लिखी हुई हैं कंट्री कोड शायद पाकिस्तान की है सिटी कोड लाहौर की है एक पोस्ट कोड भी है और एक प्रोडक्ट कोड है इन सारी कोड्स को मिला के एक की बनाई गई है जो कि खासी खौफनाक और ड्रोनी सी की है जिसको कि आप देख सकते हैं यह की जब डेटा वेयरहाउस में जाएगी तो इस की को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अ सिंपल की जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर वन से ले कर एट तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कुछ और भी सिंपल चीज़ हो सकती है देखें इसने स्पेस भी कम ली है इसलिए यह आपने की क्यों बनाई है बिकॉज द की शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ द डेटा कल को अगर बिजनेस चेंज हुआ तो की कोई चेंज नहीं होना चाहिए यह बात समझ चुके हैं आप अब मैं बात करता हूँ डी डुप्लीकेशन की डी डुप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आपके वेयर हाउस में डेटा डुप्लीकेट मौजूद होता है और डुप्लीकेट डेटा का मसला क्या होता है मैं आपको कुछ उसके एग्जाम्पल्स देता हूँ डुप्लीकेट डेटा का क्या मसला है डुप्लीकेट डेटा का मसला बहुत सारे मसाइल हैं डुप्लिकेट डेटा के मिसाल के तौर पे आपने जो सम किया उसमें चीज़ मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाएगी ये एक इशू है डुप्लिकेट डेटा का आप मेरी बात समझ रहे हैं इसके अलावा अगर आपने कोई हिस्ट्रोग्राम्स बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे तो जो डुप्लिकेट डेटा है उसे एरर्स आएँगे आपके पास गलत चीज़ें आएँगी गलत फिगर्स आएंगे और इसके अलावा और बहुत से मसाइल भी हैं डुप्लीकेट डेटा के इट गिव्स यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग रिकॉर्ड्स, रॉन्ग नंबर्स रॉन्ग काउंट्स ठीक है जी आप मेरी बात समझ रहे हैं तो डी डुप्लीकेशन का मतलब है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में डुप्लिकेट्स को ख़त्म करना है ठीक है डुप्लिकेट आते है किस तरह से हैं डुप्लीकेट के बहुत से तरीके हैं आने के मिसाल के तौर पर मैं चंद मिसालें देता हूँ सारी तो नहीं दी जा सकती क्योंकि ये इट्स इन इट itself, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आए मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट कि जो डुप्लीकेशन वो कैसे होती है और उसके साथ फिर हम लेक्चर भी आज का कंक्लूड करेंगे जी साथियों तो हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हम पहुँचे थे एक नज़र स्क्रीन पर डाल लिया आप तो हम अब रिमूविंग डुप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे डुप्लीकेशन कैसे होती है अगर आपके पास मिसिंग डेटा है किसी ने अपना नाम जो फर्स्ट नेम मिडल नेम फैमिली नेम था उसने अगर अपना कुछ एंट्रीज में फर्स्ट नेम तो बताया कुछ में फ़र्स्ट नेम नहीं बताया ठीक है जी तो जब आपने नाम की बेसिस पे काउंट डिस्टेंट किया तो आपको एक ही शख्स जो है वो मुख्तु शक्लों में नजर आएगा ये तो होगी मिसिंग इन्फॉर्मेशन कह लें या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इनकम्प्लीट भी हो सकती है इसके अलावा कुछ आपकी डिफरेंट रिप्रजेंटेशन भी तो हो सकती हैं मिसाल के तौर तो पर आप वन को न्यूमेरिक वन से रिप्रजेंट करते हैं या O N E वन इस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब इसके ऊपर आप काउंट डिस्टिंग करेंगे या इनको सॉर्ट करेंगे तो ये आपको एक से ज़्यादा नज़र आएंगे उसके अलावा और भी रीजंस होते हैं मिसाल के तौर तो पे किसी शख्स ने अपना नाम पूरा नहीं बताया या किसी शख्स ने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया और मुख्तलफ़ लोग उसी एड्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन लोग मुख्तलफ हैं एड्रेस की डुप्लिकेशन हो जाएगी या कुछ लोग जानते बूझते मलेशियस रीजन्स के बेसिस पे अपना नाम गलत बता देंगे फिर डुप्लीकेशन हो जाएगी तो ये जो मैंने आपको 11 स्टेप्स बताए हैं ये मेजर स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के आप इनशाला जब किसी डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट में जाएंगे आपको पता होगा कि ये स्टेप्स कौन से हैं और इन आप कामयाब रहेंगे तो साथियों हमने खासा डिटेल में एक्सट्रैक्ट इस लेक्चर में देखा ट्रांसफॉर्मेशन को भी इस लेक्चर में देखा अब मैं आपसे इजाजत चाहूँगा इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी खुदा हाफिज़